तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 फोन्स अंडर 15,000 जो कि आपको बीबीडी सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलने वाले हैं। सारे ही फोन्स मैं आज ऐसे बताऊंगा कि जिसको आपको देख के मजा आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा नंबर 5 का जो हमारा फोन निकल के आता है वो आता है रेडमी का 13 5G। मैंने ना सबसे पहले कम पैसों से शुरू करा है यहाँ पे। ये आपको देखने को मिलता है 13,500 रुपए का, जिसमें आपको 1,000 रुपए का कूपन भी लगाने को मिलेगा, मतलब 12,500 रुपए का। बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो अंडर 12,000 आपको ये फोन देखने को मिलेगा। इसकी अगर फीचर्स की बात करें, आपको स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 का प्रोसेसर, 12 GB तक आप रैम इसमें कर सकते हो और 8 GB आपको वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी। 6 GB की रैम आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। 5030mAh की इसमें बैटरी है। रेडमी 3 द 5G स्टार। आप इसके और भी फीचर्स यहाँ पे देख सकते हो। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। बाकी 120Hz की इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी और कैमरा जो है वो है 108MP का इसमें। तो कैमरे के मामले में बहुत अच्छा है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी इसमें ठीक ठाक है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन है। अंडर 12,000 में आपको देखने को मिलता है, 15,000 में भी नहीं, सीधा 12,000 में। और 108MP का इसका कैमरा और रिंग फ्लैश के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 3 का भी इसमें सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। वेट टच डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब बाकी इसके आप और भी फीचर्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अपने आप, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसमें और भी आपको क्या क्या फीचर्स देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और सारे फीचर्स को भी पढ़ लो। अगर हम अपने नंबर 4th फोन की यहाँ पर बात करें तो हमारा जो नंबर 4th का जो हमारा फोन है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है, हमारा रियलमी का नार्जो 70X 5G। 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल वाला, 120Hz की इसमें अल्ट्रा आपको स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ आपको पड़ेगा 13,500 रुपए का। और ये भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन है। अगर आपको रियलमी के फोन ज्यादा पसंद है तो आप ये ले सकते हो। एंड इसमें आपको फुल्ली लोडेड 120Hz की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एंड इसमें आपको MediaTek का Dimensity 6100 प्रोसेसर यहाँ पे मिलने वाला है और 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा यहाँ पर रहने वाला है और ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके और भी यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 120Hz की डिस्प्ले है, 45 वाट का यहाँ पे सुपर डॉक यहाँ पे चार्ज है। एंड फोन का भी आप यहाँ पे लुक देख सकते हो, कितना अच्छा बेहतरीन यहाँ पे फोन का लुक यहाँ पे निकल के आता है। और अगर इसके और एडिशनल फीचर्स की बात करें यहाँ पे, तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हो कि आपको इसमें कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। अगर हम बात करें अपने नंबर 3 के फोन की, जो हमारा नंबर 3 का फोन निकल के आता है वो आता है मोटोरोला का G64 5G। इस समय इसका प्राइस 17,000 रुपए चल रहा है, लेकिन ये अंडर 15,000 आने वाला है। यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो फ्लिपकार्ट पे बैनर भी शो हो रहा था सेल में कि अंडर 15,000 ये फोन आने वाला है। और ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन मैं से कहूंगा अंडर 15,000 में, अगर ये 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल आपको प्रोवाइड कराता है तो। क्योंकि इसमें आपको बैटरी भी अच्छी मिलेगी, आपको रैम भी काफी ज्यादा इसमें देखने को मिलने वाली है। और इसमें कैमरा भी आपको 50MP का OIS कैमरा मिलने वाला है, 8MP का दूसरा और 16MP का इसमें आपको फ्रंट देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो आप इसको फिर से पॉज करके एक बार इसके सारे यहाँ पे फीचर्स को एक बार पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन से इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी नॉर्मली मैं बताया तो आपको वही 50MP का आपको कैमरा देखने को मिलेगा और 16MP का इसमें आपको फ्रंट देखने को मिलेगा और 6000mAh की इसमें आपको बैटरी भी देखने वाली है, बड़ी वाली बैटरी बहुत ही ज्यादा, जो आपकी आराम से 1-1.5 दिन आपकी आराम से चल देगी बिना चार्ज करे नॉर्मल यूजेस पर। तो आप देख सकते हो बाकी इसके सारे फीचर्स देख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट फोन इन द मार्केट सेगमेंट रहने वाला है, अगर ये 17,000 रुपए में कि नहीं 15,000 रुपए में आता है तो। अगर नंबर 2 की अगर हम फोन की यहाँ पे बात करें, वो हमारा निकल के आ रहा है सैमसंग का गैलेक्सी M35 5G, जो कि इस समय 20,000 का चल रहा है और ये सिर्फ 13,500 रुपए में आने वाला है। मैंने आपको इसका प्राइस भी अभी दिखाया था, 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल के साथ आएगा और प्रोसेसर भी इसमें एकदम तगड़ा मिलने वाला है आपको। 6000mAh की इसमें बैटरी मिलने वाली है एंड इसमें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 13,500 रुपए का। तो भाई 20,000 का फोन 13,500 रुपए मिलने वाला है तो बहुत ही ज्यादा बड़ी लूट डील होने वाली है ये। तो अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो आप ये वाला फोन बिल्कुल परचेज कर सकते हो। इसकी CPU स्पीड भी आपको 2.4 GHz तक जाती हुई दिखेगी और बाकी इसमें गोरिल्ला ग्लास का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। 50MP का आपको वाइड एंगल कैमरा, 8MP का कैमरा और 2MP का कैमरा, आपको 3 कैमरा इसमें देखने को मिलने वाले हैं और 13MP का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है वो आपको देखने को मिलने वाले। आप देख सकते हो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का भी सपोर्ट है और भी इसके फीचर्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। गेमिंग के मामले भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे गेमिंग भी करा देगा एंड डिसेंट सी आपको कैमरा भी इसमें आपको देखने को मिलता है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। आप सैमसंग की तरफ जाना चाहते थे, आपको पैसे कम देने, तो आप ये देख सकते हो। और जो हमारा नंबर 1 का जो हमारा फोन है, नंबर 1 का, तो हमारा नंबर 1 का फोन निकल के आता है यहाँ पे रियलमी का नार्जो टर्बो 5G, जो कि आपको सिर्फ 15,000 रुपए में देखने को मिलने वाला है। और उसको मैंने नंबर 1 पे इसलिए कहा है क्योंकि इसमें भाई बहुत ही तगड़ी गेमिंग होने वाली है आपकी। जी हाँ, इसमें जो चिपसेट पड़ा है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा पड़ा है। इसमें आप गेमिंग करना चाहोगे तो आपको मजा आ जाएगा गेमिंग करने में, क्योंकि इसे तगड़ा ही बहुत ज्यादा चिपसेट पड़ा है। बेस्ट किलर अंडर 14999, 15,000 रुपए में बेस्ट किलर फोन आपको देखने को मिलने वाला है। 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल के साथ, Dimensity का 7300 का यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिला है और 120Hz की इसमें भी आपको डिस्प्ले देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। Antutu स्कोर भी इसका काफी ज्यादा बहुत ज्यादा आया है। और बाकी अगर इसकी और भी फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो और फीचर्स आप देख सकते हो, MediaTek का प्रोसेसर है, गेमिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा स्मूथ गेमिंग कराने वाला है और कैमरा भी इसमें आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 50MP का यहाँ पे इसका रियर कैमरा है और शायद 13MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। वैसे मैं
कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार जाके देख सकते हो। मैंने आपको बस ये वाला फोन यहाँ पे बता दिया, और इसकी डिटेल्स जाननी है तो फटाफट से कमेंट कर दो, और डिटेल्स बता दूंगा। फिर आप अमेजोन में जाके खुद भी चेक कर सकते हो, वीडियो पॉज करके भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो जरा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।